हे गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक डिशम। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में स्वाइप अप वाला फीचर जो है वो इनेबल कर सकते हैं। हालांकि ये स्वाइप अप वाला फीचर ही होगा, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और आपको वही फीलिंग मिलेगी जो कि एक स्वाइप अप वाले फीचर के साथ आती है। तो अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको जानना है, तो ये वीडियो जो है आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं हमारी फोन की स्क्रीन पे। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे साइड में कि ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है। अब यहाँ पर मुझे स्वाइप अप वाला फीचर अभी नहीं मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे हम कोई भी लिंक जो है हमारे वीडियो के अंदर, इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर जो है डाल सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको होम पे जाना है और सबसे टॉप पर आपको एक आइकन दिख रहा है IGTV का, जो कि मैसेजेस के आइकन के पास में है। उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको आपके प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर कोई भी एक वीडियो जो है वो ऐड करना है। प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करो। वीडियो 15 सेकंड का मिनिमम होना चाहिए, 15 सेकंड्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इस रेशियो के अंदर। एज एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पर 17 सेकंड का एक वीडियो लिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं कोई भी कवर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा मुझे कवर रखना है इस वीडियो का, ठीक है, वो रखकर आप मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है मेन पार्ट। आपको टाइटल के अंदर क्या लिखना है, आपको टाइटल के अंदर लिखना है क्लिक हियर, क्लिक हियर टू वॉच, ओके। और मैं यहाँ पर एक आइकन बना दूंगा, फिंगर, जो कि इशारा कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक, वो URL पेस्ट करोगे जहाँ पर आपको व्यूअर को भेजना है, यानी कि क्लिक करने के बाद में व्यूअर जो है वो कहाँ जाना चाहिए। तो एज एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर मेरे YouTube चैनल की लिंक URL ले लेता हूँ। तो जैसे कि ये रहा मेरा चैनल फ्रिकी गौरव। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर 3 डॉट्स पर जाऊँगा, यहाँ पर शेयर में जाऊँगा और मैं यहाँ पर कॉपी लिंक कर लूँगा। फिर से मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम में जाने के बाद में मुझे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पर URL पेस्ट करना है, ठीक है। सो अभी हमारा काम हो चुका है, URL हमने पेस्ट कर दिया है, उसके बाद में हमें इसे पोस्ट कर देना है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर जो वीडियो है वो पोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बैक जाना है, बैक हमें होम पे आ जाना है। हमें यहाँ पर अब कोई भी स्टोरी क्रिएट करनी है, तो एज एन एग्जांपल मैं स्टोरी क्रिएट करता हूँ। स्टोरी के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप स्वाइप अप वाला आइकन भी ले सकते हैं। एज एन एग्जांपल मैं वही सेम पोस्ट, सेम वीडियो ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं सेकंड स्टोरी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऊपर देखिए आप एक लिंक वाला आइकन दिख रहा है, अटैचमेंट वाला, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में आपको IGTV वाले जो सेक्शन है, जो पार्ट है, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये जो फर्स्ट वीडियो है जो हमने क्रिएट की है वो सेलेक्टेड होगी, तो उसको आप सेलेक्टेड रहने दीजिए, आप यस कर दीजिए, ओके। सो लिंक स्वाइप अप वाला फीचर जो है वो लिंक हो चुका है IGTV वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक GIF इमेज ले लेता हूँ स्वाइप अप वाली। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्वाइप, ओके। सो काफ़ी सारी है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर इसे पोस्ट कर देता हूँ, डन। तो ये पोस्ट हो चुकी है। सो गाइज, स्टोरी जो है वो पोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें स्वाइप अप करना है, यानी कि जो व्यूअर होगा वो स्वाइप अप करेगा। तो मैं स्वाइप अप करता हूँ। स्वाइप अप करने पर हमारा जो वीडियो है IGTV वाला वो ओपन हो जाएगा, और ऊपर जब आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पर देखो क्लिक हियर टू वॉच पे यूज़र क्लिक कर सकता है। क्लिक करने के बाद में URL आ जाएगा, URL पे टैप करने पर जो लिंक है, जो URL है, वो ओपन हो जाएगा। सो बस यही ट्रिक थी, आई होप कि आपको इससे हेल्प होगी। जब तक आपके 10,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते तब तक आप ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला जो मेथड है, वो यूज़ कर पाएंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है तो आप लोग आपके जो ऑडियंस है इंस्टाग्राम की ऑडियंस, उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं आपके यूट्यूब के वीडियो पर, यूट्यूब के चैनल पर, या फिर आपकी किसी वेबसाइट पर। सो गाइज, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आगे भी लाता रहूंगा।